आज जो आपके द्वारा यहाँ पर इंद्र अशोक का पुतला फूंका गया है, जो किस चीज से विरोध कर रहे हैं? जो बॉलीवुड ने एक गंदगी फैला रखी है हमारे पूरे भारतीय संस्कृति को विफल करने का जो काम कर रही है, पठान पिक्चर जो जल्दी में रिलीज होने वाली है, उस पिक्चर का हम सब लोग घोर विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं कि भारतीय संस्कृति में होते हुए भारतीय बॉलीवुड एक्टर जो ये गंदी गंदी पिक्चरें हैं, नग्न वस्त्र, ऐसी ऐसी जो पिक्चरें हमारे भारतीय संस्कृति में चलाई जा रही है, जो इस पिक्चरों को हम जब अपने परिवार के बीच में नहीं देख सकते, इन चीजों से हमारे नौजवान साथियों को, हमारी माताओं को, बहनों को बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने एक पिक्चर के एक सीन में कहा है कि ये जो भगवा रंग है, मतलब भगवा रंग को कहा है, वो भगवा रंग की शर्ट पहन लेते हैं इस पिक्चर में, तब कहते हैं कि इस रंग से हमें बड़ी नफरत है। अरे जब तुमको इतने इस कलर से यहाँ भारतीय संस्कृति में होते हुए, भारत का एक अच्छा कलर है, भारतीय संस्कृति में भगवा कलर को सर्वोपरि माना गया है, तो भारत में रहने का क्या मतलब है तुम्हारे? क्यों बॉलीवुड में यहाँ पिक्चर बना रहे? चले जाओ तो पाकिस्तान चले जाओ, तो वहां जब रंग तुमको भाता है, या अफगानिस्तान चले जाओ, यहाँ रहने का क्या मतलब है? तो हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं कि जो इन लोगों ने ऐसी पिक्चरें हमारे बॉलीवुड में, हमारे भारत के लिए, भारत में ऐसी पिक्चर रिलीज करने का जो काम कर रहे हैं, हम इन पिक्चरों को किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे, चाहे उसका अंजाम कुछ भी ना हो। और आप छोटी सी आरोप देखो, तो पिक्चर बनी थी गदर, एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में जाकर नल उखाड़ लेता है तो उसकी वाह वाह होती है, उसने अच्छा काम किया। लेकिन एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लड़की के लिए जो फिल्म में वो अदाकार है, उसके लिए अपने आप को पाकिस्तान के लिए समर्पित कर देता है, तो कभी भारतीय कोई भी नागरिक, कोई मेरा नौजवान साथी, कोई भी युवा एक लड़की के लिए किसी भी पिक्चर में, किसी भी अदाकारी में, तो पाकिस्तान के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकता। इसीलिए हम सब लोग इस पिक्चर की बहुत निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं, इस पिक्चर को हम किसी भी हालत में अपने इस भारत में चलने नहीं देंगे। इसी के लिए हम सब लोग नौजवान साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए।